मैं वही चाहता था कि मुझे मिल जाना चाहिए, और तुमने वो कर दिखा। मेरा वो घोड़ा रेस में जीत गया। मुझे इसी तरह और कुछ क्या खुशी होगी, क्या खुशी होगी? इतने डॉलर, करोड़ के डॉलर मेरे पास आ गया। सारे 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 घोड़े खरीद लो, रेस के जितने भी घोड़े हैं सारे खरीद लो। अब मेरा घोड़ा सिर्फ रेस में जीतेगा, और किसी का घोड़ा नहीं आएगा, किसी का घोड़ा नहीं आएगा रेस में। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। अरे मित्र, तो क्या समझता तू स्टील किंग है? मैं हूँ स्टील किंग, मैं हूँ स्टील किंग, मैं हूँ किंग। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे शरीर की तरह हमारा दिमाग भी बीमार हो सकता है। मानसिक रोग को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है कि जो आम व्यवहार है इंसान का, जो वो सदा व्यवहार करता आया है, अगर उसमें अचानक से बदलाव आ जाए और वो बदलाव काफ़ी लंबे समय तक चले, जैसे 2 हफ्ते या 1 महीना, तो आप समझे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पर लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते मरीज़ को नींद ना आए, मरीज़ खाना ठीक से नहीं खा रहा है, अपना नहाना धोना ठीक से नहीं कर रहा है, अपने सोशल फंक्शंस, सामाजिक कार्यकलाप, जैसे अपने दोस्तों से बात करना, अपने परिवार से, पड़ोसियों से, काम पे, उसमें आप कोई बदलाव देखें, तो समझिए कि ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है और अब हमें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। अधिकतर लोग शारीरिक बीमारियों से होने वाली परेशानियों को समझ पाते हैं, लेकिन जब बात मानसिक रोग की आती है तो वो इस बीमारी को समझ ही नहीं पाते और ना ही इसका सही वक्त पे ठीक से इलाज कर पाते हैं। मेरे को बेसिकली ये प्रॉब्लम 3-4 साल पहले चालू हुई थी, पर मैंने बीच बीच के अंदर इसका इलाज करवाया, बीच बीच में छोड़ता रहा इसको, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरे को कोई डिप्रेशन या वो है कोई, क्योंकि मेरे को कोई, मैं ये सोचता था ये डिप्रेशन वगैरह जो है किसी चिंता के कारण या किसी चीज के मारे होता है, पर बेसिकली डॉक्टर्स ने समझाया कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये वैसे भी हो सकता है कोई। तो फिर मैंने जो है इसका रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अब मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर लोग क्या है, शुरू में घबराते हैं साइकेट्री पे जाने पे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कोई ऐसा रोग नहीं है, डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। पर बेसिकली जो मेरी पहली पोजीशन थी और अब की जो पोजीशन है उसमें मेरा काफ़ी चेंज है, तो मैं भी यही चाहूँगा अगर किसी को कुछ लगता है दिमागी लेवल पे या कुछ अपने आप को डल या महसूस करता है, तो वो साइकेट्रिस्ट पे जाके उसको इलाज करवाए, तो उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले आजाद पंछी जैसी जिंदगी कट रही थी, लगी धीरे धीरे दिमाग परेशान होने लगा और बंदिश सी महसूस होने लगी। दिल्ली मेडिकल में दिखाया तो उससे थोड़ा आराम हुआ, फिर मैंने बीच में दवाइयाँ छोड़ दी। अब हुआ क्या कि चलता रहा, बीच में दवाई आराम हो जाता था, ठीक हो जाता था, फिर दवाइयाँ छोड़ देता था, फिर परेशानी आती थी, फिर इलाज कराया, फिर ठीक हो गया, फिर दवाइयाँ छोड़ दी। परमानेंट मैंने मतलब कभी दवाई ली नहीं 4-6 महीने तक। उस वजह से धीरे धीरे जैसे ही मैं ठीक होता था तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद लगता था सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। फिर जब हालात ख़राब होते थे, दिमाग परेशान होता था, तो हालात कभी कभी इतनी बार ख़राब हो गए कि मेरे को 3-4 दफ़े एडमिट भी होना पड़ा। अब 1.5 साल से मैंने थोड़े ड्रिंक करना छोड़ दिया। जब से ड्रिंक छोड़ी है, दवाइयाँ अब मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ और काफी आराम महसूस हो कर रहा हूँ।
मानसिक रोग कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों में दिमागी बीमारियां होती हैं और काफी अलग अलग तरह की दिमागी बीमारियां होती हैं। कुछ बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके व्यवहार से संबंधित होती हैं, जैसे कि जिद करना और एक जगह पे टिक के नहीं बैठना, चंचलता वगैरह। और कुछ बीमारियां कुछ सीरियस भी होती हैं और इन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ में दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर बहुत हद तक चंचलता हो, अगर बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसमें काफ़ी हद तक दवाई दी जा सकती है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में तकरीबन 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं और इन्हें इलाज की जरूरत है। आंकड़े की जहां तक बात है तो आंकड़ा हिंदुस्तान का हमारे पास पूरा पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब तक जो डेटा अवेलेबल है, जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, उसमें ऐसा देखा गया है कि कम से कम 20-30% लोग, 100 में से 20-30 लोग जो है उदासी के शिकार होते हैं। जो और बीमारियां हैं जिसको हम लोग सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, बाइपोलर इलनेस बोलते हैं या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, अगर सबको मिला कर देखें तो कम से कम 40% लोग इसके शिकार हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 अरब के जनसंख्या में ये कितना बड़ा एक नंबर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस इतने बड़े नंबर को जो कि इन बीमारियों से पीड़ित है उसको संभालने के लिए कितने लोग हैं। केवल 3000 साइकियाट्रिस्ट पूरे इंडिया में हैं और साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनकी संख्या तो और भी कम है। शायद किसी को यकीन नहीं हो, लेकिन अभी जो डेटा हमारे पास है, जो आंकड़ा हमारे पास है, केवल 500 साइकोलॉजिस्ट है। मानसिक रोग हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मानसिक रोग किसी भी तरह से व्यक्ति की सक्षमता को समाप्त नहीं करता, जैसे कि दुनिया के प्रसिद्ध लोगों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, जो मानसिक रोग के शिकार होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। जब बात मानसिक रोग की आती है तब मानसिक रोगियों को अक्सर ओझाओं, तांत्रिकों और पंडितों के पास ले जाया जाता है। डॉक्टरों या मानसिक रोग विशेषज्ञों के पास तब पहुँचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। लोगों के मन में काफी भ्रांतियां हैं मानसिक रोगों के प्रति। लोग सबसे पहले ज़्यादातर ओझा गुनी, जिनको हम फेथ हीलर्स कहते हैं, उनके पास जाना पसंद करते हैं। हम समझते हैं कि मानसिक रोगों का कारण भी बाहरी ताकतें होंगी, ओपरी ताकतें होंगी, और उनको दूर करवाने के लिए तरह तरह के ओझों के पास जाते हैं। मानसिक बीमारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यदि उसके शुरू में ही अच्छी तरह से उपचार किया जा सके। और लोगों में यह भय हो जाता है कि मानसिक बीमारी हो गई है बच्चे को तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, और वो लोग डरते हैं। ये बड़े दुख ताज्जुब की बात है कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव भी जब कहा जाता है कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है तो कहते हैं नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं है, ये रियल है। तो उनमें ये जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी जागरूकता क्या होती है कि परिवार में उनके बच्चों के बारे में, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कॉलोनीज में रहते हैं। अब कॉलोनीज में रहते हैं तो उनके बच्चों में किसी तरह का डेविएशन पाया गया या किसी तरह के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम पाई गई या किसी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं और उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे कि जाएंगे तो समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं एक आई सर्जन हूँ, मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी एक सिस्टर है जिसे सिज़ोफ्रेनिया है, मेरा एक नेबर है उसे भी सिज़ोफ्रेनिया है। मुझे अपने घर में एक्सप्लेन करने में, अपने मदर फादर रिलेटिव्स सभी एक्सप्लेन करने में कि मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है, इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे 7-10 साल लग गया एक्सप्लेन करने में कि ये बीमारी है। आप समझ सकते हो कि मैं डॉक्टर होते हुए मैं अपने घर वालों को एक्सप्लेन मतलब समझा नहीं सका कि ये बीमारी भी है। मैं लोगों से ही गुजारिश करूँगा कि इस तरह के मरीजों के प्रति सिंपैथेटिक हों और उसे प्रॉपर डॉक्टर से दिखाएं और बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे सारे रिलेटिव्स ने बोला कि ठीक नहीं होगी, बट मुझे फर्म कन्विक्शन था कि ये ठीक हो जाएगी। आज मेरी सिस्टर जॉब कर रही है,
ठीक है, परफेक्टली हैप्पी लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नेबर वो भी हैप्पी है, सिर्फ मेरे एफर्ट्स है। और इसमें मैं, मेरे कलीग जो है डॉक्टर है, सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी इसमें मदद किया। अगर मेरे कलीग नहीं होते तो शायद मैं इतना नहीं करता। बट लोगों को मैं ये कहूँगा कि बीमारी ट्रीटेबल है, इसमें कॉस्ट बहुत ही कम होता है, दवाई का कॉस्ट बहुत ही निगलिजिबल है, सिर्फ आपको उसके प्रति सिंपैथेटिक होना है। एक सर्वे के अनुसार सरकार पूरे स्वास्थ्य बजट में से 1% से भी कम मेंटल हेल्थ पे खर्च करती है। इसके अलावा हमारे देश में 0.04% मानसिक विशेषज्ञ, 0.02% साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि 1% से भी कम है। ऐसे मरीज जो मानसिक रोग के शिकार थे, आज इलाज हो जाने के बाद अपने आप को उतना ही सक्षम पाते हैं जितना कि पहले थे। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय एक बूढ़ी महिला हुआ करती थी जो कि बीमार थी। जब भी हम लोग जाएं राउंड पे तो थोड़ा रोती थी, लेकिन बिना किसी को कुछ बोले हुए, और रोने के बाद चुपचाप होती थी। मैंने प्रोफेसर से पूछा, अपने जो मेडिसिन का प्रोफेसर थे हमारे, कि सर इनको क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बुढ़ापा है। मैंने भी मान लिया उस बात को, लेकिन आज मैं सोचता हूँ बूढ़ी महिला को हम शायद बचा सकते थे, और उनको डिप्रेशन की शिकायत थी। अब देखें तो माइंड बॉडी मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मानने को जल्दी तैयार नहीं होते, लेकिन माइंड बॉडी मेडिसिन इज अ कंप्लीट साइंस। जैसे कि जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं आप, और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जितनी नसों की तकलीफ होती है वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी नहीं है, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि जाके एक बार सर का दर्द उनको दिखा लें, या नींद नहीं आती उनको दिखा लें, वो भी एक साइंस है, साइकियाट्री भी एक साइंस है। जो लोग हमारे न्यूरोलॉजी ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 5-10% लोग वो होते हैं जिनको शायद मेली मानसिक विभाग से रिलेटेड बीमारियां होती है। और जब उनको ये बताया जाता है कि आपको न्यूरोलॉजी का मेन प्रॉब्लम नहीं है और आपको मानसिक विभाग के ओपीडी में जाके दिखाना चाहिए, तो उनको एक झिझक होती है कि आप मानसिक विभाग में मेरे को क्यों रेफर कर रहे हैं, जैसे वो समझते हैं कि या कोई पागलपन की बीमारी है जिस वजह से आप मुझे उस विभाग में रेफर कर रहे हैं। स्टिग्मा एक ऐसा है जो हर स्टेज पर मेंटल इलनेसेस के साथ चलता जा रहा है। अब ये स्टिग्मा जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से है, और उसमें से एक रीज़न जो मुझे लगता है कि बहुत अहम रोल प्ले करता है वो है मीडिया। पिछले बहुत सालों से, जब से मैं देखती आ रही हूँ बचपन से, तो उसमें मेंटल इलनेस, मेंटल पेशेंट्स और मेंटल हॉस्पिटल्स, इनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। मीडिया में जिस तरह मेंटल हॉस्पिटल का जो सीन है वो अलग तरीके से दिखाया जाता है, कि ये सही नहीं है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे तो ये डिफरेंट सीन आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से ECT को दिखाते हैं वो तरीका सही नहीं है, बिल्कुल पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए वो पूरी बॉडी शेक हो रही है और उसके बाद तक उसका इफेक्ट है, तो ये सब नहीं होता है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से की जाती है। ECT एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सभी अस्पतालों में समान प्रक्रिया का प्रयोग होता है। सभी मानसिक रोगियों का ECT नहीं किया जाता है, केवल उन्हीं मरीजों का ECT किया जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं होते या जिन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत होती है। ECT करने से पहले मरीज का पूरा शारीरिक, मानसिक निरीक्षण, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, चेस्ट एक्सरे, फंडोस्कोपी किया जाता है। ECT करने में नर्सिंग स्टाफ, एनेस्थेटिस्ट, साइकेटिस्ट सभी शामिल होते हैं। शारीरिक मानसिक निरीक्षण के बाद मरीज को एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसके माथे पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर हल्का सा शॉक दिया जाता है। ये शॉक उसके दिमाग को स्टिमुलेट करता है, वो दिमाग में हो रहे असंतुलन को सही करने में मदद करता है। ये प्रक्रिया कुछ मिनट में पूरी हो जाती है। 20 मिनट के बाद मरीज को होश आ जाता है और कुछ समय आराम करने के बाद वो घर जा सकता है।
कुछ दिन पहले मैंने टीवी के चैनल में देखा था उड़ीसा की एक घटना, जो कि टेलीविजन में बार बार दिखा रहे थे कि एक लड़की को कुछ मानसिक तकलीफ हो गई और वो लोग इलाज नहीं करा पाए और उसे 20 साल तक एक बक्से में बंद रखा। इतनी बड़ी दुर्घटना किसी के साथ हो कि 20 साल तक एक यंग लड़की को एक बक्से में रखना केवल इलाज के लिए, जबकि इसका इलाज इतना सस्ता होता है, इट इज मच मच चीपर देन HIV एंड अदर कैंसर एंड अदर इलनेसेस। सरकारी अस्पतालों में जो लोग गरीब हैं, इलाज नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों का बहुत ही नॉमिनल फीस में इलाज होता है या फिर बिल्कुल मुफ्त में इलाज हो जाता है। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ फाउंडेशन, वहां पर भी जो लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मुफ्त में देखा जाता है। अगर हमें इस बीमारी पे काबू पाना है तो जरूरत है हम सबको बराबर योगदान करने की। स्वास्थ्य समर्थन है कठिन, खंडन है आसान, बनने में सदियां लगे, गिरने में परचाई।